हेलो फ्रेंड्स, आई एम कंचन कल्याणी। वेलकम हियर टू आवर यूट्यूब चैनल जी हेल्प सूरतगढ़। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सिनोनिम्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारा फर्स्ट वर्ड है फियास्को। फियास्को का मीन होता है फेल्योर, डिबैकल, इट मीन्स असफलता। फियास्को को कैसे कोरिलेट करेंगे? फियास्को, फिसल गया, फेल हो गया, इट मीन्स डिबैकल और फेल्योर। नेक्स्ट वर्ड इज पैरामाउंट। पैरामाउंट का मीन है सुप्रीम, अपरमोस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इट मीन्स पराया अमाउंट हमेशा सुप्रीम होता है, अपरमोस्ट होता है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का मीन है पार्ट, स्क्रैप और इनकम्प्लीट। इट मीन्स कुछ अंश या हिस्सा। कैसे कोरिलेट करेंगे? विदाउट फ्रेग्रेंस हमेशा इनकम्प्लीट लगता है। नेक्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्राविगेंट। एक्स्ट्राविगेंट का मीन है एक्सपेंसिव, इट मीन्स खर्चीला। एक्स्ट्रा वेज लगाना, इट मीन्स एक्सपेंस करना, खर्चा करना। नेक्स्ट वन इज वोग। वोग का मीन है इन फैशन, इट मीन्स प्रचलन में होना। इन द वोग, इट मीन्स इन फैशन। नेक्स्ट वन इज वेग। वेग का मीन है नॉट क्लियर, नेबुलस, ओपेक, इट मीन्स अस्पष्ट होना। कैसे कोरिलेट करेंगे? वेग से चलती हुई चीज़ें नॉट क्लियर होती हैं, अस्पष्ट होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डायबोलिक। डायबोलिक का मीन है डेविलिश, इट मीन्स शैतान नुमा। कैसे कोरिलेट करेंगे? डायन जैसी बोली, डायबोलिक, डायन जैसी बोली किसकी होती है? डेविलिश की। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पास्टर। पास्टर का मीन होता है परेशान करना, टू डिस्टर्ब, टू अनॉय और ट्रॉल। कैसे कोरिलेट करेंगे? फील्ड्स में हम पेस्टिसाइड्स को डालते हैं। पेस्टिसाइड जो कि कीटनाशी पदार्थ हैं कीड़ों मकोड़ों को दूर करने के लिए। तो पास्टर, इट मीन्स टू डिस्टर्ब, टू अनॉय और ट्रॉल, इट मीन्स परेशान करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नेव। नेव का मीन है इनोसेंट, क्रेडुलस, इनजेन्युअस, इट मीन्स भोला भाला। क्रेडुलस का मीन यहाँ पर जल्दी से किसी की बातों में आने वाला है और इनजेन्युअस का मीन है अकुशल, इट मीन्स इसे हम ट्रिक वाइज कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? किसी इनोसेंट पर्सन को नेव यानी कि नाव चलाने को दे दी जाए तो वो अकुशल होते हुए वह क्रेडुलस हो जाता है, इट मीन्स जल्दी से किसी की बातों में आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मीन है लूसिड और क्लियर या क्रिस्टल क्लियर, इट मीन्स स्पष्ट होना या आर पार दिखना। कांच का ग्लास हमेशा लूसिड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है या पारदर्शी होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नोस्टैल्जिक। नोस्टैल्जिक का मीन है होम सिकनेस, इट मीन्स घर की याद आना। इसे हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? नोस्टल साउंड्स लाइक हॉस्टल, नोस्टल हॉस्टल। हॉस्टल में रहते हुए हमेशा हमें होम सिकनेस हो जाता है या घर की याद आती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टर्स। टर्स का मीन है ब्रीफ या कॉम्पैक्ट, इट मीन्स संक्षिप्त होना। टर्स, ब्रीफ या कॉम्पैक्ट, जनरली जस्ट लर्न करने के लिए तेरे से ये ब्रीफ नहीं होगा, टर्स, ब्रीफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डबियस। डबियस का मीन है डाउटफुल, ससेप्टिबल, इट मीन्स संदेहास्पद। कैसे कोरिलेट करेंगे? दबी हुई चीज़ें हमेशा डाउटफुल रहती हैं, ससेप्टिबल रहती हैं या संदेहास्पद रहती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रीकैरियस। प्रीकैरियस का मीन है क्रिटिकल, टू लर्न। इसे हम कैसे याद करेंगे? प्रीकैरियस, हमेशा प्री केयर करनी चाहिए, अदरवाइज क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑगमेंट। ऑगमेंट का मीन होता है टू इंक्रीज या वृद्धि करना, इट मीन्स यहाँ यह ऑगमेंट एज अ वर्ब यूज हो रहा है। ऑगमेंट इज अ वर्ब, इट मीन्स वृद्धि करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टार्डी। टार्डी का मीन है स्लो, स्लगिश, इट मीन्स लथार्जिक होना। टार्डी, स्लो, स्लगिश। नेक्स्ट वर्ड इज स्पोरैडिक। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोरैडिक का मीन है नॉट कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट, इट मीन्स
नॉट कंटिन्यूअस इट मीन्स जो कि कंटिन्यू नहीं है, रुक रुक कर चल रहा है, इंटरमिटेंट है. स्पोरैडिक इट मीन्स इंटरमिटेंट और नॉट कंटिन्यूअस. नेक्स्ट वर्ड इज एमिएबल, एमिकेबल और फ्रेंडली. इट मीन्स दोस्ताना. एमिएबल, एमिकेबल और फ्रेंडली, दोस्ताना. नेक्स्ट वर्ड इज मास्कर. मास्कर का मीन है स्लॉटर, कार्नेज. इट मीन्स नरसंहार. मास, MASS, मास वर्ड का मीन जन समूह के लिए किया जाता है. इट मीन्स मास्कर, स्लॉटर या कार्नेज, जन संहार. इट मीन्स काफ़ी बड़े ग्रुप में जनता की हत्या कर देना. फॉर एग्जाम्पल, जलियांवाला बाग मास्कर, विनो. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंसोलेंट. इंसोलेंट का मीन है रूड. इट मीन्स अक्खड़, इम्पर्टिनेंट. इंसोलेंट इट मीन्स रूड. नेक्स्ट वर्ड इज इंसॉल्वेंट. प्लीज नोटिफाई स्पेलिंग्स. इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट का मीन है बैंकरप्ट. इट मीन्स दिवालिया. हु इज अनेबल टू पे हिज डेट. फॉर एग्जाम्पल, वी नो विजय माल्या इज अ बैंकरप्ट. विजय माल्या इज अ बैंकरप्ट हु इज अनेबल टू पे हिज डेट. जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ है, दैट इज कॉल्ड इनसॉल्वेंट और बैंकरप्ट. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गैरुलस. गैरुलस का मीन होता है टॉकेटिव. इट मीन्स बातुनी, या हम ये कह सकते हैं लोक्वाशियस. लोक्वा, LOQUA, इट मीन्स टू टॉक. तो गैरुलस इट मीन्स टॉकेटिव और लोक्वाशियस. इट मीन्स बातुनी. चैटर बॉक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्विट. एक्विट का मीन होता है बरी करना. इट मीन्स एक्सोनरेट और एब्जॉल्व. मुक्त कर देना, सॉल्व कर देना, एब्जॉल्व कर देना. सॉल्व से आप लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एम्बेसाइल. एम्बेसाइल का मीन है स्टूपिड, डल और इडियट. इट मीन्स मूर्ख. एम्बेसाइल इट मीन्स स्टूपिड, डल और इडियट. I am best imbecile. Imbecile. I am not stupid. I am best. Next word है हमारे पास ostentation. Ostentation का mean होता है show off करना, flaunting या pompous. Pompous, दिखावा करना, show off करना, flaunting करना, ostentation का similar है. Next word है हमारे पास audacity. Audacity का मीन होता है boldness और temerity. It means साहस. Audacity is boldness और temerity. You know, Barack Obama की एक book है Audacity of Hope. तो Audacity of Hope, Barack Obama sir Audacity पर लिखते हैं, boldness पर लिखते हैं. Next word है हमारे पास wary. Wary का मीन है cautious या अलर्ट. इट मीन्स सजग रहना. नेक्स्ट वर्ड इज वेरी. वेरी का मीन है टू डिफर. VARY. प्लीज नोटिफाई द स्पेलिंग्स. WARY एंड VARY. वेरी का मीन है टू डिफर. इट मीन्स अंतर करना, भेद करना. नेक्स्ट वर्ड है स्प्राइटली. स्प्राइटली इज लाइवली. इट मीन्स सजीव. स्प्राइटली लाइवली. स्प्राइट पी के लाइवली बिहेव करना. नेक्स्ट वर्ड इज awkward. awkward का मीन है क्लम्जी, अगली. इट मीन्स भद्दा होना, भद्दा. awkward इज क्लम्जी और अगली. नेक्स्ट वर्ड इज ludicrous. ludicrous इज absurd और senseless. इट मीन्स बेतुका. ludicrous दैट इज absurd, दैट इज senseless. तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही करेंगे. थैंक यू.